वॉक थ्रू बहुत आसान चीज है। पहले तो आपके पास नोटपैड होना चाहिए जिसमें आपके शॉर्ट्स डिसाइडेड हो, यानी कि हमने कहा शॉर्ट वन एक्सटीरियर। अब आपने ये सोचना है कि एक्सटीरियर के कौन कौन से शॉर्ट्स देने, कितनी कितनी देर के। लेट सपोज हमने कहा कैमरा वन जो दिखाएगा सर्कुलर एनिमेशन, और ये होगी अंदाजन कुछ 3 सेकेंड की, और आप निकालो 30 FPS पे। 3 सेकेंड इंटू 30 FPS यानी कि आपके पास हो गए कितने, 30 से आया आ गया 90 फ्रेम्स। आपने कैमरा वन 90 फ्रेम का लेना है। चलो चलते हैं टॉप व्यू में। मैंने कहा भाई मुझे जो दिखाना है वो यहां से दिखाना है, यहां से यूं करते हैं, लाइक कैमरा यहां से है और ये ऐसे करते हैं। आपको वैसा एक ग्रिल चाहिए होगा, एक पाथ चाहिए होगा। हम चलते हैं आर्क में, और हमने कहा यहां से यहां तक दिखाए और ये आर्क है। आप जितना ही बड़ा छोटा करना चाहो, अभी करो बाद में करो मैटर नहीं। अभी इसमें जितने भी कैमरास हैं मैं डिलीट कर रहा हूँ वक्तन के डिस्टरबेंस ना हो, और यहाँ से कैमरा ऑन कर लिया, ये सारे कैमरा जितने हैं सब डिलीट कर ताकि कोई कंफ्यूजन है। अब आपको चाहिए कैमरा पहला, हमने कहा है कैम वन, ठीक है। हमने लिया यहाँ से वीरे फिजिकल, मेक श्योर कहीं से भी स्टार्ट करो डजन मैटर, लेकिन कहां पे फोकस होना चाहिए दैट डज मैटर, ठीक है। आपको कितना चाहिए 90 फ्रेम, ये है इस वक्त 100 फ्रेम। यहां ज्यादा हो कम हो मैटर नहीं करता क्योंकि वो रेंडरिंग में और सेटिंग में मैटर करता है, लेकिन हाँ जब आप कैमरा वन सेट कर रहे हो, कोई भी कैमरा सेट करो, उतने फ्रेम जरूर दो, क्योंकि जितनी बड़ी टाइमलाइन होगी वो शुरू से एंड पे की लगा दो। तो अब हमने क्या किया, टाइम कॉन्फ़िगरेशन में गए, सबसे पहले तो कस्टम किया FPS 30 FPS पर शॉट। हमने कहा एंड टाइम 90 फ्रेम, ओके 90 हो गए। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैमरा लेना, ऊपर जाना है एनिमेशन में, आपने कहना है कॉन्स्टेंट्स और आपने कहना है पाथ कॉन्स्टेंट। मेक श्योर आपका कैमरा सिलेक्टेड हो, और देख रहे हो पाथ पे जहाज घूम रहा है, आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास पिक वेप आ जाएगा और वो आपने अपनी पाथ को दे देना है ऐसे करके। ये आ गया, अब देखो ये आ रहा है यू ऐसे, उसकी कोई टेंशन नहीं क्योंकि आप आफ्टर इफेक्ट्स में इसको सीधा कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर करने का बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा, आप लो कैमरा, ये पहली की है और वो आखिरी की है, पकड़ो यहाँ ले आओ, पकड़ो वहां ले जाओ 90 और ये 0, तो क्या होगा ऐसे चलेगा, सही है। ऐसा ना करो तो बेहतर, मर्जी आप। यहां से डबल व्यू ले लेते हैं जिसमें एक में टॉप में हम एनिमेशन सेट करते रहेंगे, मेरा माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे सी प्लस करके कैमरा में आ गया और शिफ्ट टैब ऐसे आ रहा है, ये कुछ खराब सा, और ऑल्ट बी प्रेस करके पहले हम सॉलिड कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना ऐसे। अब देखो एक काम करते हैं, ट्रिपल व्यू ले लेते हैं, यहाँ पे कैमरा ऐसे ऑल्ट बी, और यहाँ पे टॉप व्यू जो आप सेटिंग कर रहे हो, और ये आपका पर्सपेक्टिव जो आप खेलोगे। तो माउस पता नहीं क्या हो रहा है,
अभी आपने यहाँ खेलना है अपना, यहाँ देखना है आपने, ये है आपका आर्क। आप इसको स्केल करते जाओगे, आपकी एडजस्टमेंट होती चली जाएगी। आप इसे ऊपर करते जाओगे, आपका कैमरा सेट होता जाएगा, लेकिन कैमरा को लेके राइट क्लिक, सेलेक्ट कैमरा टारगेट, इसे भी एडजस्ट करो। अब आप देखो 0 फ्रेम पे ऐसे ये बन गया आपका कैमरा वर्क। आपको इतना करीब नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। आप इनको लेके हल्का सा रोटेट कर लो आपको जैसा चाहिए, आप हल्का सा स्केल कर लो अगर दूर चाहिए, आपकी एडजस्टमेंट। अब देखो ये कैसे चलेगा, यहां से चलेगा, इसमें स्पेस से नहीं चलेगा। नहीं, स्पेस बार से नहीं चलता, ऑल्ट वी से चलता। ऑल्ट वी था, पता नहीं कौन सा था, प्ले की कोई शॉर्टकट के गूगल कर लेना, मुझे याद है। और आप सर ये भी तो ले रहा बना प्ले का, ये रहा ये है, हाँ कर सकते हो ऐसे, लेकिन इसके लिए व्यू पोर्ट वो एक्टिवेट करो और अब प्ले करो और देखो ये है आपको नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा कैमरा टू, अब यही टेक्निक रखना ताकि आपको पता हो कितने दिए काम कर रहे। हमने कहा कि अब कैमरा जो है ऑल्टी और आपने कहा कैमरा भाई ऐसे ऊपर से या यहां से आए और अंदर चले जाए, जो भी एंट्रेंस हो। अब एंट्रेंस हमारी ये गोल घूम के इतना घुमा के नहीं लेके जाएंगे, हम यहाँ से ले गए या यहाँ से ले गए या कुछ भी दिखाना। आप कुछ ना करो, हमेशा पाथ पे भी काम नहीं करते, आपकी पाथ का काम हो गया, अब आप सिंपल कैमरा को एनिमेट करो। मैं दोनों पे बता रहा हूँ ताकि आप बात के साथ काम करना चाहो बात के साथ करो, कैमरा के साथ करना चाहो कैमरा के साथ। हम गए फिर से कैमरा वीरे फिजिकल कैमरा और हमने यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग किया ऐसे। अब यहाँ पे आके अगर सी प्रेस करेंगे तो कैमरा टू आ गया। आपको ये पता है ये आपका व्यू है और ये आपका फ्री कैमरा है। आपने यू क्लिक करके ड्रैग किया, राइट क्लिक करके इसका टारगेट सेलेक्ट कर लिया, जैसे आपको शॉट सेट करना। अब इस बार मैं चाह रहा हूँ ये कुछ 5 से 7 सेकंड का, 5 से 7 सेकंड और 24 फ्रेम का 1 सेकंड होता है, लेकिन हम 30 FPS पे काम कर रहे हैं, यानी कि 30 फ्रेम का 1 सेकंड होगा, यानी कि 210 फ्रेम चाहिए 7 सेकंड। तो अब आप वापस यहाँ जाओ, ये तो आपको पता है, लेकिन बेस्ट पे जो हम यूज करते हैं कंट्रोल ऑल्ट दबा के एंड पे गए, कहीं भी जाओ मसला नहीं, लेकिन एंड से ज्यादा एरिया मिल जाएगा, राइट क्लिक करके अंदर को ड्रैग करो, फ्रेम आना शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा अभी मेरे पास 180 आ गए, मैंने कहा 210, कौन बार बार अंदर गए, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल और राइट क्लिक और अंदर को ड्रैग कर कम करने, कंट्रोल और राइट क्लिक बाहर को ड्रैग कर, ठीक है, बी प्रोफेशनल। हमने कहा 210 फ्रेम, 0 पे गए, कैमरा लिया, ऑटो की ऑन की ताकि ऑटोमेटिक की लगती जाए, की लगा दी पहली, मेक श्योर कैमरा सेलेक्ट करके ताकि पहली की लग जाए। और अब हमने 210 फ्रेम पर रखा अपना स्लाइडर और कैमरा पैन किया, जहां तक लेके जाना है, ऑब्वियस ये ऊपर नहीं होगा, ये नीचे होगा, और राइट क्लिक करके इनका कैमरा टारगेट इसे भी एनिमेट कर। अभी देखो कैमरा ये एनिमेट हो रहा है, देख रहे, लेकिन ये ऐसे हो रहा है। अगर आप ये अच्छा है वैसे कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप जिसकी टारगेट को भी एनिमेट करना चाहो, आपने टारगेट को सिलेक्ट किया, ऑटो की लगाई, लास्ट में गए और अपने टारगेट को भी हल्का सा मूव कर दिया। अब अगर आप प्ले करोगे तो आपको वही मिलेगा, ओके। आपको रूम्स में एनिमेशन करनी है, बाहर की समझ में आ रही है या और कोई तरीका और भी समझाऊं? एक और देख लेते हैं, कस्टम मींस ये टॉप है,
हमने कहा लाइन यहां से आए, कर्व होते हुए आए और अंदर चला जाए, जैसे अभी सीधा आ रहा है कर्व में भी एक आ जाए, और यही अपनी लाइन ली आपने और आपने कहा वन फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स लिया और थोड़ा सा अच्छा कर लिया है ना, और मुझे ये चाहिए 10 सेकंड की। ये काम करते हैं, अभी वक्तन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलो सारी ज्योमेट्री सब ऑन करते हैं, सबको लेते हैं एक्सेप्ट द वीरे प्लेन, ओके किया, देख रहे ये सब सेट हो गया है, सिलेक्ट हो गया है मीन, और मुझे इतना सारा नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं सबसे पहले सिस्टम नहीं हेल्पर्स, हेल्पर्स में गए और हमने एक डमी क्रिएट कर ली, कहाँ कर ली कहीं भी कर लो, ये एक डमी एक बॉक्स आ जाएगा, ये रेंडरेबल नहीं होता, हेल्पर होता है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में एडजस्टमेंट लेयर रेंडर नहीं होती अगर उसको कोई इफेक्ट नहीं लगा, हमने एक डमी लगा दिया और कहीं भी रख लो। मैं क्या करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, मैं इन सबको लेना चाह रहा हूँ, सब ऑब्जेक्ट्स को प्लेन की जगह, ऑब्वियस ये रोड भी नहीं चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए चलते हैं जरा, तो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, यू ऑल्ट प्रेस करके इनको डीसेलेक्ट किया, इन्हें भी डीसेलेक्ट किया, सब डीसेलेक्ट हो गए। अभी यहीं पे ये हमने यहां से कहा सिलेक्ट एंड लिंक, सिलेक्ट है क्लिक किया और इनको लाके इन पे लिंक कर दिया, हो रहा है थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि बहुत सारी ज्योमेट्री, क्या होगा ये देख रहे हो ये सारे इनसे लिंक हो रहा है, क्या होगा कि ये पेरेंट चाइल्ड बन गए, देख रहे खेल रहे, वो सब अलग अलग है इंडिविजुअल है लेकिन वो चाइल्ड बने हुए, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके निकालूं तो कोई भी हद काम नहीं करेगा क्योंकि ये अकेला, लेकिन अगर मैं मूव कराना चाहूं तो मैं इजीली करवा सकता हूं, सेंस बन रहा। अभी एक तो ये चीज भी समझ में आ गई, हमने ट्राई किया फिर से, ये देख रहे हो ये आर्क डमी सब कुछ आ रहा है, आर्क भी नहीं चाहिए, और देख रहे हो सब सब एक लिंक बन गए, ये सब एक के साथ जुड़ गए। मैं इनको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ डमी को, और अब चलते हैं, अब देख रहे हो सब खुल गए, अब लेते हैं वापस ऑल्ट प्रेस करके इनको डीसेलेक्ट, इन्हें भी डीसेलेक्ट, और मैं कुछ भी नहीं कास्ट कर रहा, मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ, ओके, और शिफ्ट प्रेस करके हमने वक्तन एक कॉपी निकाल ली एज इंस्टेंस, हमने कहा यहाँ पे दो होने चाहिए और इनको भी लिया, शिफ्ट प्रेस किया, अभी देख रहे हो वो कैमरा टकरा जाएगा हमारे एरिया, तो आपको सेटिंग करनी होगी, ये सब काम जब करोगे जब आपका पूरा एनवायरनमेंट रेडी हो, ऐसे। अभी आप अगर देखो गौर से तो आपका ये जो पाथ है ये वाला, अब फोकस करते हैं एक बात, हमने इनको लिया यहां से, ये यहां से निकले दूसरे घर की तरफ से और हमारे घर में जाए, हमने लिया कैमरा वीरे फिजिकल कैमरा, कहीं से भी रखो डजंट मैटर, जहां फोकस होगा आपका, आपने कैमरा लिया, एनिमेट कॉन्स्टेंट पाथ कॉन्स्टेंट गिव द पाथ, लेकिन एक मिनट हमने 300 फ्रेम तो लिए नहीं, 10 सेकंड की एनिमेशन थी, तो हमने कंट्रोल और राइट क्लिक करके 300 फ्रेम ले लिए। अब एनिमेशन पाथ कॉन्स्टेंट इनको लिया, ये ऐसे चलना शुरू हो गए। अभी इसको डायनामिक कर लेते हैं, हम थ्री व्यू में गए अपने, सी प्रेस किया कैमरा थ्री, ये कैमरा ओके, पहले पाथ ली ऊपर किया, अभी पाथ को आप कस्टम करना शुरू करो अपने कैमरा के डायनामिक्स को डेवलप करने के लिए,
हम गए वर्टेक्स, हमने इस वर्टेक्स को लिया स्पेसिफिक नीचे किया, हमने इस वर्टेक्स को लिया ऊपर किया, क्या होगा? आपका कैमरा डायनामिकली चलेगा। अगर यहां व्यू करें हम, ये अब ये उठेगा, देख रहे उठा और वापस अंदर, और ऑब्वियस वो जो आपका कैमरे का पॉइंट है आप उसे एडजस्ट कर लेंगे। ऑब्वियस इस पाथ को हमने पीछे से भी ऊपर कर लिया। अब आप देखो, प्ले करके देखते हैं, हमने जीरो पे रखा, आप जैसे डायनामिक एनिमेशन करना चाहते, सेंस। लास्ट बट नॉट द वन, एक और काम कर लेते हैं। हमने कहा कार 3D मॉडल फ्री डाउनलोड, जो कि अभी हम बनाना शुरू हो रहे हैं, तो आप अपनी बनी भी डालोगे और हम यहाँ कहीं से एक अच्छा सा मॉडल उठा लेंगे। ये अच्छी है लेकिन सीन के साथ सूट नहीं कर रही, ये बेहतरीन है वॉल्वो, और यहाँ पे भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लॉगिन करना पड़ेगा इनको डाउनलोड करने के लिए। इवन आप अपनी ऐसी कार बना के बेच भी सकते हो, ये फ्री में आप बेच भी सकते हो, क्या अच्छी बात है। कौन से ऐसे लोग हैं जो लेते नहीं? या वो फील, वो क्वालिटी नहीं आएगी, मुझे नहीं फील आता। आ गया तो ऐसी बड़ी बात, 741475 ये आप छोड़ देंगे। सर निकाल रहे, क्लास में बैठे हुए ना सर, अभी ये रिमोट गिर रहा है, फिर ऐसा ना फोन उड़ता हुआ बाहर गया। ये तो 1.2 GB की है भाई, वल्ला। कौन सा बता रहा था भाई? ओके यहाँ से देखते हैं, अभी लगाई नहीं मैंने, वरना मैंने अभी बिल्कुल रिसेंट बनाई है, ये ईद में, ईद के 3 दिन में ईद मना रहा था। अपने लिए
हाँ अभी अभी तो अपलोड किए मैं, इसके एनिमेशन भी किए मैं। काम नहीं बढ़ी हूँ Don't you come back no more. अभी वो आवाज आवाज नहीं आ रही शायद, वरना मैंने साउंड वर्ड बहुत डांट के लगाया। Hit the road, Jack. Don't you come back no more. चलो खैर टाइम वेस्ट नहीं करते। गूगल यार बहुत बड़ी दुनिया है। चलो जी वाओ ब्लेंडर मॉडल में देखते हैं, वो विजय है, देखे आते हैं। और जब भी ऐसे कुछ लेके आने लगो एक अलग से पहले मैक्स खोलो। नहीं वेग वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी अगर अनवांटेड चीजें कैमरास और लाइट्स आपकी चीजें खराब हो जाए रेंडर सेटिंग्स, इसलिए और देखो मेक श्योर एक फॉर वन थिंग आपने लिखा कार हाइट इन फीट और मीटर्स व्हाटएवर। और ये सबसे बेहतरीन चार्ट शीट आपको इसमें सारी गाड़ियों का मिल जाता था। जैसे हमने ऑडी लिए, ऑडी तो नहीं मिल रही हमें, लेकिन हम हुंडई देख सकते हैं, बेंज देख सकते हैं। तो बेंज की हाइट है 1301 मिलीमीटर और अब आप कहो MM2 इन स्पीड जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हो, हम चलते हैं जरा मैक्स में अपने और हम देखते हैं हमारा ये यूनिट सेटअप क्या है। कस्टमाइज यूनिट सेटअप मैट्रिक मीटर्स कर लेते हैं या एमएम ही रख लेते हैं, कोई मसला नहीं, एमएम बेस्ट है। तो हमें पता होना चाहिए 1301 एमएम की है ये हाई, ये भी बैंड 1301 एमएम। तो अब आप अपनी ब्लॉकिंग रेडी करो, आपने बॉक्स बना लिया, सेम साइज का बनाओ तो बेहतरीन बात है। और हमने कहा इनकी हाइट जो होगी 1301, अब देख रहे हो ये सारे का सारा डायमेंशन हमारा आउट ये है, ये दम ये थर्ड पे यूटिलाइजेशन है। एग्जैक्टली अब बाद में मैं स्केल भी करा था आपको याद नहीं है मुझे स्केल करा। तो अब 1301 एमएम की जगह आप 13 एमएम को ट्रैक करो ऐसे, लेकिन 13 एमएम तो बहुत ही लो है, 130 एमएम को ट्रैक कर लो। ओह 1 एमएम कर दिया मैंने, 130 ट्राई कर लो। देखो अब आपके पास वही डायमेंशन आ गया, अब फिर इसको आप छोटा कर लो हाइट वेथ में, आई मीन टू से ऐसे ऐसे, अब फिर अपने रोड पे रख लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कितनी होनी चाहिए ऐसी गाड़ी। वेल नया मैक्स गाड़ी, वैसे इसमें कुछ खास खराबियां नहीं होंगी चीजों के साथ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लाके रखी, W प्रेस कर दिया, अब ये पता नहीं क्या चीज आ रही है, इन्हें डिलीट कर दिया आपने, बाकी सब ओके, नीचे से खोखली है, खैर नॉट बैड। इनको देखो ये सारे एक हैं, तो अब आप इसको एनिमेट यू नहीं कर सकते, और अगर ग्रुप में देखें शायद ग्रुप वन ग्रुप नहीं, तो अब आपको इसको डिटैच करना पड़ेगा अगर आप एनिमेशन दिखाना चाह रहे हो। तो हम एक काम कर ही लेते हैं, जब ये काम कर ही रहे हैं तो इनकी भी एनिमेट कर ही लेते हैं। और ये अभी क्या है, फॉली है, नाइस हमने इनको लिया, तो दैट इज नॉट नाइस, ऐसे करते हैं और एलिमेंट लेते हैं ये पूरा एक, और
ने किया डिटैच इन्हें भी किया डिटैच और जो बचा है एडिट पॉली उसमें कुछ भी नहीं बचा है इसको डिलीट कर दिया नोट अब देखो आपके पास ये है और मेक श्योर ये पूरा एक होना चाहिए एक है लेकिन इनके अपने सेंटर पॉइंट अपने सेंटर में ही होने चाहिए देख रहे मैंने सारे सेट कर लिए अब देखते हैं ये सब सेट है देखो ये सब के आउट है ऐसे ही है आपका हायरार्की में अफेक्ट पेवियड ओनली और आपने कहा सेंटर टू ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में चलेगा लेकिन अभी रोको नहीं आप यहीं पे रोटेशन एक्टिवेट कर लो और स्केल ताकि सब चले जाए और फिर इनको बंद कर दो और अब देखो सब ओके हो गया और हमने क्या कहा फिर से इन सब टायरों को लिया और हमने कहा सिलेक्ट एंड लिंक और ये टायर बॉडी से लिंक हो जाए ताकि जहां बॉडी को हम चलाएं वहां बॉडी चले कोई तेरी ये सब रहता है नो प्रॉब्लम कंट्रोल जी करते हैं और देखते हैं ये लिंक है नहीं कंट्रोल जी ओके अब ये लिंक नहीं है नो प्रॉब्लम सबको लिया एक्सेप्ट द व्हील्स इनको कर लिया आपने ग्रुप और हमने कहा वन कोई भी दे दो नाम अब आप इनको मूव करके देखो ओ ये चला गया इसमें ओपन किया ये वाला और ऑब्वियस हमें ये निकालना होगा बाहर हमने डिटैच कर दिया अभी ग्रुप क्लोज कर दिया एंड लेट्स सी बकेट सबको लिया एक्सेप्ट हम ये सिलेक्ट एंड लिंक सिलेक्ट कर दिया टेस्ट कर लो परफेक्ट कंट्रोल एस सेव कर लिया और वो आपसे पूछ रहा है कहाँ लेके जाऊं मैं हमने कहा भाई हमारे उस हायरार्की में लेके जाओ जहाँ पे हम काम कर या सेव करो या जो भी करना है हमने कहा कार या ऑटोमोटिव कुछ भी नाम दे दो नो मैटर रेडी हो गया ये अभी हम चलते हैं यहाँ सिंगल व्यू में आते हैं हमने कहा इंपोर्ट या इंपोर्ट कार इज हियर ओके मर्ज करा लेते हैं मर्ज कार ये सब ऑल करो देख रहे और वही विजुअल्स के हिसाब से आप सेट कर लो इससे पहले Easiest way, आप यहाँ देखो आपका दरवाजा का है ये खिड़की है बंदा यहाँ तक आएगा या बंदा यहाँ तक आएगा तो आप उसके हिसाब से खिड़की के हिसाब से उसको स्केल करें और डेफिनेटली ये रोड पे होनी चाहिए
अब रोड मुझे समझ नहीं आ रहा, मे भी यहाँ हो, थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं। हमने वक्तन एक फुटपाथ ले लिया, रोड ले लिया और एक खिड़की की हाइट ले ली, और ये पूरा क्रॉप है। अब चलते हैं, एडजस्ट करते हैं पहले। पता नहीं, अब देखते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि ये नहीं चाहिए था मुझे, ऑब्वियस, तो इनको लेते हैं सबको। अब चलते हैं, वो एक्चुअली इंस्टेंसेस निकालेगा ना। अच्छा टायर रह गया, नहीं यार बहुत लंबी हो रही है। चलो खैर समझ में आ रही है ना कहानी, तो ये यहाँ रख लेते। अब आप इनको एनिमेट कर लीजिए, और एनिमेशन का वही वे है। आपने सोचा भाई यहाँ से गाड़ी दिखानी है चलती हुई, जीरो फ्रेम, ऑटो की लगाई, की एक्टिवेट की, और मैंने कहा जब तक कैमरा यू आ रहा है, कैमरा यूं आ रहा है, मैं ये वाला कैमरा देख रहा हूँ जो स्ट्रेट जा रहा है, तो ये इसके यहाँ आने तक तक ये गुजर चुकी है, इसके टायर है। तो अब देखो ऑटो की ऑफ कर लो अभी वक्तन देखने के लिए, ये इसी कैमरा के सामने से गुजरती है, और आप ट्रिपल व्यू में चले जाओ, मेन श्योर आप कैमरा टू आई गेस वो है, ये देखो ये हो जाता, लेकिन टायर नहीं चल रहे, हमने चलाया नहीं है एक्चुअली। तो अब इन पे फोकस करते हैं, इनको लेते हैं खामोशी से, बिल्कुल जीरो पे जाओ, ये है, रोटेशन एक्टिवेट करो, ऑटो की ऑन, की लगा दी रोटेशन, अभी तो सब पे लग रही है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक रोटेशन पे लगाना चाहो तो आप क्या करोगे, सिंपल ये जो आपका टाइम स्लाइडर है इसको राइट क्लिक करो, आपके पास आ रहा है पोजीशन रोटेशन स्केल, मैंने कहा सिर्फ रोटेशन, अब ओके करूंगा तो सिर्फ एक की लगेगी, इन कीज को डिलीट करते हैं, और अब देखते हैं राइट क्लिक सिर्फ रोटेशन, ओके, तो अब आपके पास सिर्फ एक की लगी हरी वाली, ये रोटेशन, और जहां तक आपकी गाड़ी एक्चुअली जा रही है दैट इज योर 300 फ्रेम राइट, 300 फ्रेम, आप फोकस करो और सिर्फ उनको उतना एनिमेट कर लो, मतलब बहुत सारा इनको रोटेट कर लो, ताकि जब वो कैमरा के सामने से गुजरे, मैं एक टायर कर रहा हूँ बाकी आप लोग कर लोगे, तो वो अब देख रहे हो हल्के हल्के, ये देख रहे हो, फोकस करो जरा, मैं दिखाता कैमरा टू क्या कर रहे हो बैठ, अच्छा अब देखो ये देखो मैं फ्रेम बाय फ्रेम चला रहा हूँ, ये देख रहा टायर, अब देख रहे हो, तो अब आपकी गाड़ियां भी आगे से गुजर सकती हैं, आप जिस कैमरा में शॉट ले रहे हो अगर वो कैमरे में गाड़ी आ रही होगी तो वो आपको दिखाएगा। सर हम इसमें मल्टी शॉट भी सेट करके एक साथ प्ले कर सकते हैं ना? एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग, एक साथ नहीं कर सकते, एक वक्त में एक कैमरा दिखाएगा, मल्टी कैमरा कैसे दिखाएगा? फिर फ्रेंड्स में लेके जाओगे, कोलैप्स करोगे, आउट कैसे करेंगे, आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है, सारी वही रेंडर सेटिंग्स है, सिर्फ एक चीज चेंज होगी रेंडर इंजन में जाके, रेंडर इंजन नहीं रेंडर सेटिंग्स में सॉरी जाके, आप करोगे, अब आपको लेना कैमरा वन का शॉट, इस वक्त आपके पास 300 फ्रेम है, लेकिन कैमरा वन था 90 फ्रेम का, आप कहोगे रेंज, आप मेक श्योर पहले उस कैमरा में हो, कैमरा वन, और आप कहोगे जीरो से 90 फ्रेम,
ताकि 90 ही फ्रेम निकले पूरे 300 में। अब फिर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, अपना फ्रेम सेट कर लोगे और नीचे आओगे और रेंडर आउटपुट, आपने फाइल्स में जाके कहा कि आपको कहाँ पे सेव करना, हमने कहा हमारी वही हायरार्की और यहाँ पे हमने कहा nm, ये न्यू फोल्डर को nm underscore render जो भी नाम दे दो, हमने कहा cam1, यूजुअल में यही करता हूँ cam1 और cam underscore 1 और फॉर्मेट सेव करो tip tagger png जो भी आप करते हो। मैं पर्सनली tagger यूज करता हूँ, इसमें trillion of current supported होता है tagger। तो png में तो ये वीडियो कैसा है, png सीक्वेंस निकलेगी पूरी png और सेव करो और यहाँ पे आ रहा होगा स्प्लिट अल्फा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी अलग निकालो, ये कर लो इजी हो जाए। ओके अब बस अब आपने रेंडर के बटन पे क्लिक कर, ये कैमरा वन का 90 फ्रेम का शॉट निकाल दिया। फिर आपने कहा कैमरा टू, कैमरा टू कितने फ्रेम का था, 210 फ्रेम का। तो आप फिर ऊपर जाओगे और यहाँ कहोगे 210, यहाँ पे आके आप नाम चेंज कर लोगे, एक नए फोल्डर में कैमरा टू कर लो और रेंडर करते चले जाओ। और वंस यू डन विद दिस आफ्टर इफेक्ट्स में जाओ, कंपाइल करो, सेंसिबल वॉक थ्रू भी आ गई आप सबको।